हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट देख चुके हैं, अब हम लोग विश्व का इतिहास देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। आज बात करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। याद रखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जितने भी क्लासें होंगी वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। वो इतना याद रखिए कि वो आपका वन डे एग्जाम उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी है उतना मटेरियल। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। सन 1300 से 1600 ईस्वी का यही वह काल था जिसमें अनेक परिवर्तन हुए और इसी के प्रभाव से मध्य युग आधुनिक युग में बदल गया आपका। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इटली में। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह है ताकि यूरोप और पूर्व के देशों के बीच हुए व्यापार के पुनरुत्थान ने इटली के शहरों को सर्वाधिक संपन्न बना दिया था। वन डे एग्जाम का कहने का मतलब मेरा, उसमें आपके जो भी एक दिन में एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे, इस तरह के वन डे एग्जाम नहीं होते, तो उसी से रहता है। अब आपका पूछ ले अगर कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो आप याद रखना है इटली में, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह समूचा व्यापार लगभग पूर्णतः इटली के शहरों के नियंत्रण में था। बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण क्या रहे हैं। पुनर्जागरण आखिर हुआ तो इसके कारण क्या थे? धर्म युद्ध के कारण ईसाइयों का परिचय पूर्व की इस्लाम संस्कृति से हुआ है। उल्लेखनीय है कि उस समय मुसलमानों का सामाजिक विकास ईसाइयों से अधिक था। इंग्लैंड, फ्रांस आदि राष्ट्रों के अनेक विद्यार्थी काहिरा मिस, कुफा, लीबिया, कार्डोना, स्पेन आदि मुस्लिम विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए गए। वापस लौटने पर पश्चिम यूरोप के देशों में उन्होंने पूर्व के ज्ञान और नए विचारों का प्रसार किया। कस्तुनिया के पतन से ज्ञान विज्ञान का प्रसार आपका संपूर्ण यूरोप में हुआ। पुनर्जागरण से पहले छापाखाना, कागज, बारूद, नागरिक दिक्सूचक यंत्र आदि के आविष्कार हुए। इससे पश्चिमी यूरोप में जागरण की गति तेज हुई। इटली का संपन्न नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण का प्रथम केंद्र था। याद रखना, इटली का संपन्न नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण का प्रथम केंद्र था। इसके शासक कुसिनी मेडिसी और लॉरेंजो मेडिसी महाप्रभु के नाम से विख्यात थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। आगे बात करते हैं, नाभिक दिक्सूचक यंत्र के आविष्कार की सहायता से कोलंबस पश्चिम की ओर से 1492 में अटलांटिक के पार पहुंचा। कोलंबस आपका 1492 में अटलांटिक के पार पहुंचा। इसी ने आपकी अमेरिका की खोज की थी। ये निकला था उस समय भारत कुछ ज़्यादा ही चर्चा में था, तो वो इसी अफ्रीका, एशिया महाद्वीप की यात्रा करना चाह रहा था वो, लेकिन एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसे नई दुनिया भी कहा गया, कोलंबस। अनेक कठिनाइयों और खतरों का सामना करने के बाद वह भारत के बदले वेस्ट इंडीज पहुंच गया था। कहाँ? वेस्ट इंडीज। उसके समय से इस नई दुनिया की कई बार समुद्री यात्राएं की गई। इन्हीं वर्षों में पुर्तगालियों ने अन्य मार्ग द्वारा इंडीज पहुंचने का प्रयत्न किया और अंततः 1498 में, कब? 1498 में वास्को डी गामा ने भारत भूमि पर कदम रखा। 1519 से 1522 के बीच पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का श्रेय किसे जाता है? मैगलैन को। याद रखना है, ऐसा करके उसने पृथ्वी गोल है कि धारणा को सत्य प्रमाणित कर दिया। अब बात करते हैं कुछ आपकी खोज हैं व उनके अन्वेषण
किस सीमा चिन्ह? खोजकर्ता का नाम है प्रायोजित देश, खोजे गए क्षेत्र। फ्रांस हेनरी दी नेविगेटर, पुर्तगाल। इसके खोजे गए देश थे अफ्रीका, ये कहाँ का था? पुर्तगाल। बार्थोलोम्यू डियाज, ये पुर्तगाल था। इसने खोजे गए क्षेत्र का नाम था आसद्वीप अंतरिम। वास्को डी गामा पुर्तगाल था, इसने भारत की खोज की थी। पेट्रो ए कैम्बरल, ये भी पुर्तगाल था, इसने ब्राज़ील की खोज की थी। अमेरिकी विस्पूस की पुर्तगाल और स्पेन था, ये दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, इसने अमेरिका की खोज 1492 में की। वास्को डी बेलबुआ स्पेन का था, प्रशांत महासागर की इसने खोज की थी। किसकी? प्रशांत महासागर की। फर्डिनेंड मैगलेन स्पेन का था। पृथ्वी की परिक्रमा इसने 1519 में की। हर्नेंडो कॉर्टेज ये स्पेन का था, इसने मैक्सिको की खोज की। हर्नेंडो पिजारो स्पेन का था, पेरू की खोज की थी। पोंस डी लियोन ये स्पेन का था, फ्लोरिडा की खोज इसने की थी। सेबेसियन कैबट इंग्लैंड का निवासी था, लिब्राडोर उत्तरी अमेरिका की खोज की। वाल्टस रिले रेले ये इंग्लैंड का था, वर्जीनिया की खोज की थी इसने। जियोवनी डी बेराजनो फ्रांस का था, हडसन नदी व मैनहट्टन द्वीप की इसने खोज की थी। ठीक है, जेकबी कार्टियस के साथ शामिल था। फिर आता है कब सैमुअल डी चैम्पलेन, ये फ्रांस का था। सेंट लॉन्स नदी व कनाडा की खोज इसने की थी। तो चलिए, ये थे आपके कुछ पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम लोग बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखते रहेंगे इस तरह से।